वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लैरिंग्स की एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का चैप्टर, और उसका ये आखिरी लेक्चर है उससे रिलेटेड, जो कि था जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़नी। ये तो हमने मेन इसमें जो डिस्कस करना है वो रेंकीज एडिमा है, और उसके बाद हमने कुछ इसकी कंडीशन है ल्यूपस ऑफ लैरिंग, सिफिलिस एंड फलाना, इनको बस हम बताऊंगी मैं आपको कि क्या होती हैं, क्योंकि इनसे सिर्फ आपका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये भी लैरिंग्स में हो सकता है। ठीक है, सो रिंकीज एडिमा या फिर पॉलीपॉइड डीजेनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ये क्या चीज़ है? आपको मैंने पहले भी डायग्राम दिखाई थी, बल्कि मैं दोबारा ही दिखा देती हूँ। ये डायग्राम देखिए, ये आपको याद है वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको यही डायग्राम पहले भी दिखाई थी। अब इसमें सबसे पहले आप देखें तो वोकल कॉर्ड में वी हैव द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ब्राउन कलर का, और उसके बाद एक थोड़ी सी स्पेस है जो इनने हल्की स्किन से कलर की दिखाई हुई है, जिसको इन्हें लिखा हुआ है रेंकी स्पेस या लेमिना प्रोप्रिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी जगह पर ये, अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो दोनों लेयर्स हैं ये म्यूकोजा की लेयर्स हैं, और म्यूकोजा की हमेशा दो लेयर्स होती हैं, एक होता है एपिथीलियम और दूसरा होता है लेमिना प्रोप्रिया। एपिथीलियम तो एपिथीलियम होता है और लेमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू होता है। वोकल कॉर्ड्स में हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप का एपिथीलियम है, सिलेटेड कलमनर है वो बाकी सारी लेरिंग्स में होता है, लेकिन वोकल कॉर्ड में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है। और उसके बाद ये जो स्किन वाली है, दिस इज द लेमिना प्रोप्रिया, जिसको यहाँ पर नाम दिया हुआ रेंकी स्पेस, क्योंकि इसको किसी रेंकी साहब ने जाहिर है पहली बार डिस्कवर किया होगा, इस वजह से उसने अपने नाम से इसका नाम जोड़ दिया। तो बात कहने की ये थी कि अगर आपके पास रेंकी स्पेस में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर यहाँ पर एडिमेटस फ्लूइड कलेक्ट होगा, अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पर हो, यहाँ पर सिर्फ रेंकी स्पेस में भी हो सकता है, हो सकता है पूरा वोकल कॉर्ड ही उस एडिमा में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रेंकीज एडिमा। लेकिन उसका स्टार्ट इस स्पेस से ही होना चाहिए, और स्पेस को लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम रेंकीज एडिमा कहते हैं। मेरा रेंकीज, हम लोग रेंकीज एडिमा, तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं पॉलीपॉइड डीजेनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। ये एडिमा क्यों होता है भला? कॉजेज इसके सेम वही हैं जो कि किसी भी लाइक एक कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की जनरल कॉज हो सकते हैं, कि मिस यूज़ ऑफ वॉइस है, ओवर यूज़ ऑफ वॉइस है। मिस यूज़ से मुराद ये है कि आप बिला वजह आपको आते हैं चीज़ें चीखने चिंगाड़ने की, या टेढ़ी मेढ़ी किस्म की अजीबो गरीब आवाज़ें निकालने की। उसके बाद आप अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकर, या फिर आपकी और क्या कंडीशन हो सकती हैं इसमें, वी कैन हैव द साइनोसाइटिस आपको बहुत ज़्यादा है, या फिर आपका इसोफेगस से लैरिंग्स में खाने का रिफ्लक्स होता है, लाइक कोई भी ऐसी कंडीशन जो उसको थोड़ा बहुत भी मुसलसल एक ट्रॉमा में रख रही है वोकल कॉर्ड्स को, उसकी वजह से रेंकीज एडिमा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट को होर्सनेस बहुत ज़्यादा होगी, और उसके साथ साथ उसको वो, क्योंकि फॉल्स वोकल कॉर्ड्स अपने इस्तेमाल करेगा, ट्रू वोकल कॉर्ड्स में तो एडिमा हुआ हुआ होगा, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जब वॉइस के लिए इस्तेमाल करेगा तो अजीब व गरीब सी आवाज़ आएगी, आवाज़ भी सही उसकी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। ठीक है, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप से आप जब देखते हैं तो आपको साफ साफ वोकल कॉर्ड्स की बाकायदा ऐसी इतनी मोटी मोटी सी स्वेलिंग्स नज़र आती हैं, और रास्ता भी तंग हुआ हुआ होता है, और हाइपरीमिया भी होगा, डेफिनेटली रेड होंगे क्योंकि एडिमा है। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है कि हमें उनको वोकल कॉर्ड में से एडिमा को रिलीव करना होता है माइनर सी सर्जरी करके, और उसके साथ हम पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीट वॉइस रेस्ट का कहते हैं, और उसको स्पीच के बारे में गाइडेंस देते हैं कि ऐसे मिस यूज़ करना अच्छी बात नहीं होती होती। ठीक है, फिर हमारे पास और कंडीशन क्या होती है, ल्यूपस ऑफ द लैरिंग्स, ये भी आपका ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन ही होता है लैरिंग्स का, जो ज़्यादातर इंटीरियर पोर्शन को इन्वॉल्व करता है। सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ही होता है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस से, मतलब इन्फेक्ट ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही कर रहा है, इसमें कोई और बात नहीं हो रही, लेकिन ये नोज़ और फेरिंग्स से ज़्यादा एसोसिएटेड है, और हमारे पास जो ल्यूपस ऑफ लैरिंग्स है ये पेनलेस एसिम्प्टोमेटिक सी कंडीशन है। अच्छा जी, तो फिर हमारे पास अगली कंडीशन है ल्यूपस ऑफ लैरिंग्स। तो ल्यूपस ऑफ लैरिंग्स आपका SLE जो आपकी डिजीज है ना, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, आपको पता है कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून टाइप ऑफ डिजीज़, जिसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही बॉडी पे एक्ट कर रही होती है, और इसमें सिस्टेमिक इन्फेक्शन होते हैं, और उसमें अगर आपका ये वाला जो लैरिंग्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको हम ल्यूपस ऑफ लैरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके लैरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट में जिस तरह SLE में डीजेनरेशन हो रही होती है, तो लैरिंग्स में भी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास सिफिलिस है, सिफिलिस आपको पता है कि ट्रिपोनिमा पेलिडम करता है, या पेलाइडम विच इज अ स्पायरोकीट, और इसमें पहले तो बहुत ज़्यादा लैरिंग्स इन्वॉल्व होता था, अब इतना ज़्यादा नहीं होता, ये भी वाइड स्प्रेड आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होता है इसका, और लैरिंग्स में जब इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्टेज, तो टर्शरी स्टेज में जो गुम्मास बनते हैं ना, वो गुम्मा कभी कभी लैरिंग्स में बन सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ही एक चेंज होती है, एंड उसमें इन्फिल्ट्रेटिव सेल्स हैं, ग्रेनुलर सेल्स हैं, उसे गुम्मा कहते हैं सिफिलिस का। तो बस इतना याद रख लें कि सिफिलिस इज द इन्फेक्शन ऑफ ट्रिपोनिमा पेलिडम, जिसकी टर्शरी स्टेज जो होती है, थर्ड स्टेज होती है, जो आपको यहाँ मैनिफेस्ट हो सकती है लैरिंग्स पे, बट कॉमन नहीं है अब। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद लेप्रसी, आपको पता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि जुजाम भी कहते हैं इस डिजीज़ को, और ये बहुत कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो मेनली आपकी स्किन पे आपको महसूस पता चलता है कि हो रही है, छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं, और यही आपके बहुत ज़्यादा स्किन को भी, लैरिंग्स को भी, नोज़ को भी इन्वॉल्व करती है। अगर तो अगर मतलब लैरिंग्स इन्वॉल्व होगा तो उसे हम लेप्रसी ऑफ लैरिंग्स कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लेप्रसी की जनरल ट्रीटमेंट है डैप्सोन आइसोडैप्सोन, वही देनी होती है। स्क्लेरोमा, स्क्लेरोमा आपका एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जी क्लेब्शियला राइनोस्क्लेरोमेटिस, ठीक है। क्लेब्शियला राइनोस्क्लेरोमेटिस नॉट वेरी कॉमन, लेकिन जाहिर है एक बैक्टीरिया जो कि आपका इन्फेक्शन कर देता है आपकी एयरवेज में, जिसमें आपका नोज और फेरिंग्स हमेशा पहले इन्वॉल्व होता है और लैरिंग्स कम कम इन्वॉल्व होता है, और इसी तरह से आवाज़ की होर्सनेस हो जाती है, छोटे छोटे से नोड्यूल्स बन जाते हैं, और उनको फिर हम एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन वगैरह से ट्रीट करते हैं। एंड माइकोसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ योर लैरिंग्स, जिसमें आपका हो सकता है कैंडिडा का हो जो आपका ओरल कैविटी से नीचे आ जाए, और उसके अलावा भी आपकी जो बाकी फंजाई है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, म्यूकोर माइकोसिस, कोई भी और भी हो सकता है, फिर उसके लिए एंटी फंगल्स देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास ये वाला चैप्टर तो खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद स्ट्राइडर वाला चैप्टर एंड कंजेनिटल लीजन्स ऑफ लैरिंग्स। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।